हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवद्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और डी प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में बात करी थी कि डीपीडी क्या होता है और विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएँ थी, कोशिकाएँ थी, उनमें डीपीडी की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लेना, और अगर आपको वीडियो से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो जो प्लाज्मोलाइसिस शब्द है दो वर्ड से बना है, प्लाज्मा प्लस लाइसिस। ठीक है, और प्लाज्मा जो है प्रोटोप्लाज्म प्लस श्रिंक। ठीक है, तो प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, और लाइसिस का मतलब श्रिंक होना। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है जिसमें फर्स्ट जो जो हमारी स्थिति है वो क्या है, पूर्णतः स्फीत जो कोशिका है यानी कि फुल्ली टर्जिट। तो इस स्थिति में उनको न्यूक्लियस और वैक्यूल दिखाई दे रही है यानी कि रिक्तिका दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा क्या होगा कि अति पराश्रय विलयन में हम रखेंगे तो उसे क्या होगा कि वही पराशरण होगा यानी कि जल के अणु जो है कोशिका से बाहर निकलेंगे, और हम देखते हैं तो स्फीति दाब क्या होगा। इसको अगर हम जो अति पराश्रय विलयन है, जैसे शक्कर के घोल के अंदर हम जो है कोशिका को रख देते हैं, तो कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वह अधिक पराश्रय जो क्षेत्र होता है यानी कि शक्कर के वहाँ पर जो होता है निकलने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जल जो कोशिका के अंदर जो जल होगा बाहर निकलेगा, और जो कोशिका का स्फीति दाब है जिसको हम स्थिति दो में देख सकते हैं, स्फीति दाब जो हो जाता है कम हो जाता है, और जो हमारा जो रिक्तिका है वो कुछ हद तक सिकुड़ जाती है, और जीवद्रव्य जो भी है वो भी कुछ हद तक सिकुड़ जाता है। और अगर हम लंबे समय तक इसी कोशिका को जो है अति पराश्रय विलयन में रखते हैं तो तीसरी स्थिति हमें दिखाई देती है जिसमें जीवद्रव्य जो होता है कुंचित हो जाता है, मतलब कि सेल के अंदर किसी एक कोने में जीवद्रव्य जो है सिकड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे ये प्रोटोप्लाज्म जो है बिल्कुल एक कोने में जो है केंद्रित हो गया है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है इसकी सिकुड़ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है। तो जब किसी पादप कोशिका को अति पराश्रय विलयन, ठीक है, अति पराश्रय विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होती है कोशिका जो रस होता है उसकी सांद्रता से अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, अति पराश्रय विलयन कहते हैं। अर्थात इसका जो पराश्रय दाब होता है ये कोशिका के पराश्रय दाब से जो होता है अधिक होता है। ठीक है, तो बाह्य पराश्रय के जो अति पराश्रय विलयन में अगर हम कोशिका को रख देते हैं तो कौन सा पराश्रय होगा, बाह्य पराश्रय यानी कि एक्जोस्मोसिस होगा। इसके परिणाम स्वरूप जल इससे बाहर निकलने लगता है, इससे मतलब कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है जिससे कोशिका में स्फीति दाब कम होने लगता है। कोशिका को लंबे समय तक ऐसी विलयन में रखने पर उसमें से जल अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलने लगता है, अतः ऐसी स्थिति में कोशिका का जीवद्रव्य जो होता है सिकुड़ने लगता है और अंत में संकुचित होकर कोशिका के बीच में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ दिखाई देता है। कोशिका की यह स्थिति जीवद्रव्य कुंचित स्थिति कहलाती है यानी कि प्लाज्मोलाइड सेल कहलाती है। ठीक है, तथा इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, अगर इस कोशिका को हम क्या करें, पुनः जल में रख दें, ठीक है, तो इस कोशिका को पुनः जल अथवा अल्प पराश्रय विलयन, तो अल्प पराश्रय विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसका जो पराश्रय दाब है वह कोशिका जो है उसके रस यानी कि जो कोशिका के अंदर सेब भरा है उसके पराश्रय दाब से यदि कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्प पराश्रय विलयन कहेंगे। तो अगर कोशिका को पुनः जल अथवा अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाता है तो अंतः पराश्रय द्वारा जल जो होता है कोशिका में पुनः प्रवेश करने लगता है, और कुछ समय पश्चात जीवद्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली फैलकर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, जीवद्रव्य विकुंचन कहलाती है। लेकिन अगर हम क्या करें कि जीवद्रव्य जो कुंचित अवस्था है उसको अधिक समय तक रहने दें तो सेल क्या हो जाती है, सेल जो होती है डेड हो जाती है। ठीक है, मतलब कोशिका मर जाती है। और हमने देखा जैसे कि जीवद्रव्य कुंचित अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है और जीवद्रव्य विकुंचित अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो अगर हम सेल को जो है अति पराश्रय विलयन में रख देंगे तो जीवद्रव्य क्या होगा, वह कुंचित हो जाएगा, और पुनः जीवद्रव्य को विकुंचन करना है तो हमको क्या करना होगा, सेल को अल्प पराश्रय जो विलयन है जिसका पराश्रय दाब कम है, ठीक है, तो सेल को हम अल्प पराश्रय विलयन में रखेंगे तो क्या होगा, अंतः पराश्रय होगा। अंतः पराश्रय जल के अणु जो हो जाएंगे बाहर के वातावरण से कहाँ पर सेल के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, सेल जो होगी वो धीरे धीरे फूलेगी और क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली और जो हमारा जीवद्रव्य वह फैल कर क्या होगा, अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीवद्रव्य विकुंचन। ठीक है।